परवीन को लेकर आज सरेंडर कर सकती है श्राइस्ता। अतीक की पत्नी श्राइस्ता आज सरेंडर कर सकती है, हालांकि उसकी गतिविधियों को जिस तरीके से अभी तक ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी समीर, ये बड़ी खबर असद के एनकाउंटर के बाद भी आई थी, लेकिन अब अतीक की पत्नी श्राइस्ता आज सरेंडर कर सकती है, इसको लेकर बड़ी खबर मिल पा रही है। पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या जानकारी इस बारे में? मेरी आवाज आपकी गूंज रही है मेरी कानों में। अब हम उसे रेक्टिफाई करते हैं सर, लेकिन अगर श्राइस्ता के बारे में आप बता सके तो क्या खबर उसके सरेंडर को लेकर? किसके सरेंडर को लेकर? अतीक की पत्नी श्राइस्ता को लेकर। देखिए, अतीक की पत्नी श्राइस्ता के सरेंडर को लेकर के अभी तक कोई ऐसे इनपुट नहीं है। कल भी इस तरह की चर्चा थी कि असद का जिस दिन असद को जब दफनाया जा रहा था, श्राइस्ता परवीन आ सकती है। एक महिला को भी जो बुरका नसीन थी, जो कि अतीक अहमद की बड़ी बहन थी शाहीन, वो निकली। आज सवेरे से इस बात की चर्चा है कि चूंकि अतीक अहमद मारा गया है और अतीक अहमद और अशरफ दोनों मारा गया है, तो किसी भी सूरत में वो आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट बंद है, तो कोर्ट के सामने वो सरेंडर नहीं कर सकती, ऐसी कोई एप्लीकेशन भी वहाँ नहीं है। डीएम के सामने ये मामला जा सकता है, वहाँ ऐसी कोई अपील या कोई उनकी ऐसी अर्जी नहीं लगी हुई है फिलहाल। बिल्कुल, यहाँ पर यह भी अहम सवाल है कि अब शाइस्ता परवीन के सामने ऑप्शंस क्या बचे हैं, क्योंकि बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, पति मारा जा चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है। ये खबर लगातार सामने आ रही थी कि असद के एनकाउंटर के बाद उसकी माँ शाइस्ता, जो इस मामले में वांटेड है, वांछित है, वो सरेंडर कर सकती है। कब्रिस्तान जाने की भी बात सामने आई थी उसकी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।